बीजेपी में शामिल हो सकती है ऐसी खबर आ रही है। 12 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप मतलब बिल्कुल कंफर्म है? हम ऐसे थोड़ा बोलते हैं। तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? तो अखिलेश जी तो भगवान से मना रहे हैं कि हमको बुला लीजिए। जब कोई बुजुर्ग खाट पर ऊपर जाने की तैयारी में रहता है तो कहता है भगवान हमको बुलवा लीजिए। ये किस तरह का बयान है कि बुला लीजिए भगवान? मतलब ये राजनीतिक रूप से आप बयान इस तरह तो नहीं देना चाहिए आपको कि बुला लीजिए। मतलब उसका अर्थ समझिए कि सदन से हम लोगों को बाहर करिए। अच्छा, हम लोग अब सदन में नहीं रह सकते। सदन से बुला लीजिए। हाँ, सदन से बुला लीजिए। नहीं, अखिलेश जी ने कहा था कि मंदिर विधायक सब जा रहे हैं, नहीं भगवान का बुलावा, फोन नहीं, बुलावा नहीं, नहीं कॉल बोले हैं, भगवान का कॉल आएगा, भगवान नहीं बुलावा आएगा तब हम तो बुलावा। अच्छा, सामने देखिए, चलिए बुलावा या काल मान लीजिए, तो काल तो आता है, बुलावा तभी आता है जब जाने का टाइम आता है। तो सदन से जाने का टाइम आएगा, चले जाएंगे। और स्वामी क्या कहें सर, लगातार राम जी के ऊपर हमला? देखिए, पहली बात तो संविधान को नहीं मानते, दूसरी बात कि वो अखिलेश जी के सह पर बोल रहे हैं। अगर उसका प्रमाण लीजिए तो कल सदन में आपने देखा, उनकी बात से और सदन की कार्रवाई से समाजवादी पार्टी के दोनों से तुलना करिए तो लगभग हमको अंदाजा की तैली करता नजर आएगा। ऐसे समाजवादी पार्टी के मुखिया की भी सह है कि तुम ऐसा बोलो कि समाजवादी पार्टी रसातल में चली जाए और हम लोग सदन से बाहर चले जाए। शिवपाल से अभी सवाल पूछे कि सभी विधायक जा रहे हैं राम मंदिर दर्शन करने, आप भी जाएंगे? उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के साथ नहीं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा अपने नेता के साथ, क्या कहेंगे? देखिए, एक दिन माननीय शिवपाल जी का ही बयान आया था कि अध्यक्ष जी हम लोगों को साथ लेके चलेंगे तो हम भी चलेंगे, ऐसा बयान आया था। कल सदन में भी इस बात को विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा तो उसको दूसरे रास्ते से घुमा दिया, वो पगडंडी पकड़ा दिया, हाईवे छोड़ दिया। तो नेता अपने बयान पे अडिग रहे तब ना, सब तो राजभर नहीं ना हो सकते। तो कह दिए कि अखबार में तो आपने चला दिया, टीवी पे चल गया, कोई गड़बड़ हो गया, तब कहते हैं नहीं, पत्रकार तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं, गलत बयान दे रहे हैं। राजभर तो चाहते हैं एकदम सही है। ठीक है, थैंक यू।